ओम नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष बुधवार अष्टमी तिथि दिन में 12:50 तक चलती रहेगी। तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रात्रि 9:20 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, सुखी, धनवान, लोकप्रिय और विनम्र होते हैं। ऐसे जातक ऐश्वर्यशाली, स्वाभिमानी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, घर अथवा समाज के प्रमुख, किसी विशिष्ट अध्ययन में महारत हासिल करने वाले, धार्मिक कृतियों में भाग लेने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा सूर्य और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनिदेव हैं। आज चंद्रमा की युति मंगल और केतु के साथ मकर राशि में ही बनी रहेगी, जिससे स्वभाव में उग्रता, उतावलापन, हर कार्य करने के प्रति जल्दबाजी और व्यग्रता बनी रहेगी। हालांकि सरकारी सहयोग और आर्थिक लाभ भी बना रहेगा, मगर वाणी की तेजस्विता परिलक्षित होगी। आपसी संबंधों में कमी और पारिवारिक माहौल को अनुकूल करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का समय सक्रियता में कमी और मानसिक दबाव वाला बना रहेगा। हालांकि परिश्रम का केंद्र बिंदु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना और विकसित करना रहेगा। साझेदारी की लाभदायक प्रेरणा और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है, मगर बात बात में उत्तेजना का माहौल और वाद विवाद से प्रगति में बाधा भी संभावित है। सरकारी कामकाज में रुकावट और मन किसी अनजाने भय से ग्रस्त रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र की अधिकतम योजनाओं को संपन्न करने की कोशिश लगी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। कुछ कामों में आत्मविश्वास में कमी और पहल करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। धैर्य और संयम से काम लेते हुए माहौल को अनुकूल और शांतिपूर्ण बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के जातकों का झुकाव कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति केंद्रित रहेगा। साथ ही संभावित यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर अनावश्यक चिंता, बेचैनी, भ्रमात्मक स्थिति और मानसिक दबाव भी संभव है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, जो कि व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ को प्रभावित करेगा। मगर विभागीय सहयोग कायम रहेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। वाहन सावधानी से चलाएं, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पहले के चले आ रहे मानसिक दबाव, चिंता और नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। साझेदारी और कार्य क्षेत्र के विस्तार और साथ ही साथ सकारात्मक प्रेरणा और उचित दिशा निर्देश की संभावना बनी रहेगी। अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा, मगर आपसी संबंधों में मधुरता कायम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों के कामों में रुकावट, सार्थक पहल में कमी, विवाद की स्थिति के साथ ही साथ अनावश्यक मानसिक दबाव और नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है। हालांकि शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। नई कार्य योजनाओं को विकसित करने और रुके हुए कामों को संपन्न करने की कोशिश जारी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और कर्मचारियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। अध्ययन अध्यापन में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में सार्थक पहल जारी रहेगा। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे, मगर पारिवारिक सुख चैन में कमी महसूस होगी। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार महसूस करेंगे। हालांकि मानसिक दबाव और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे। अधिकतर कार्य पूरे होंगे और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। घर गृहस्थी में निवेश की संभावना भी बनती है। अध्ययन अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों को सकारात्मक प्रेरणा और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा, मगर अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव भी संभावित है। हालांकि सकारात्मक पहल और व्यावसायिक उत्थान के लिए मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा आज केतु मंगल के साथ चौथे घर में चल रहे हैं, जिसका मिला जुला असर लाभदायक परिस्थितियों को अनुकूल करेगा और कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावटें खत्म होंगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद और बेबुनियाद आरोप की संभावना बनती है। सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में मितव्ययी मानसिकता के साथ आर्थिक लाभ और अपने कार्य क्षेत्र में उठ रही बाधाओं को हल करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। हालांकि शंकाओं का दौर और कार्य क्षेत्र की सकारात्मक पहल में बृहस्पति के गोचर से मजबूती आएगी, साथ ही संतान के दायित्व की पूर्ति में सहयोग मिलेगा। फिर भी धैर्य और सक्रियता बनाए रखें। खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर वाणी की तेजस्विता और मानसिक सोच प्रभावित रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में मन लगेगा और नए प्रस्तावों में अस्थायी विकास होगा। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवारजनों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातक अति उत्साहित महसूस करेंगे और स्वयं के स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा होगी। मानसिक दबाव संभावित है। निजी समस्याओं और संबंधित मामलों में उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। आपकी राशि पर आज भी केतु मंगल और चंद्रमा का संयोग बना हुआ है। रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और अंतर्मन का सहयोग जारी रहेगा। खर्च की स्थिति शाम के बाद नियंत्रित होगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, मगर साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपनी सुख सुविधाओं और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और कार्यक्षेत्र के संसाधनों पर व्यय संभावित है। लाभदायी योजनाओं को विकसित करने का समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और यात्रा की संभावना बनती है। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। वाद विवाद से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयास जारी रखें। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। उसे सुदृढ़ करने और आय संबंधी मामलों में नए विकल्प की मानसिकता सुदृढ़ होगी। मित्रों से सहयोग और उनसे होने वाले लाभ के प्रति आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव भी संभावित है। फिर भी पहले की कार्य योजनाएं चलती रहेंगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और सार्थक पहल जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।